तुम्हारे आसपास के पेड़ पौधे, हवा, पानी, प्रकृति का एक-एक नज़ारा, ये सब मेरी ही तो देन है। तुम्हारे घर परिवार के सभी खुशियाँ, ये सब मेरी ही देन है। तुम्हारे परिवार के एक-एक सदस्य को मैं संभाल रहा हूँ। फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि वो मुझे मानते हैं या नहीं? तुम जो मुझे बोलते हो कि बाबा, मेरे परिवार का ध्यान रखना, फिर जब मैं तुम्हारे परिवार का मुखिया हूँ तो अपने परिवार का ध्यान तो मैं ही रखूँगा ना। तुम बताओ, कोई और रखेगा? नहीं ना। तुम जल्द ही वो सब कुछ हासिल करोगे जो तुम चाहते हो। तुम्हें मैं किसी भी वस्तु की कमी नहीं होने दूँगा, कभी भी नहीं होने दूँगा। तुम्हारी पूरी दिनचर्या पर मेरी नज़र होती है। तुम कब सोते हो, तुम कब उठते हो, और तुम कब खाना खाते हो, और तुम कब अपना ध्यान रखते हो, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम कब अपना काम करते हो। मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम कितनी ईमानदारी से अपने काम करते रहते हो, कितने प्यार से सबका ध्यान रखते हो, पर अपना ध्यान रखना भूल जाते हो। अब ऐसी स्थिति में अपने बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? मैं ही तो रखूँगा ना। और तुम मेरी उदी का सेवन करते ही नहीं हो, हर बार भूल जाते हो, और हर बार कहते हो कि बाबा भूल गया। मत किया करो ऐसा। मेरी उदी तुम्हारे हर कष्ट की दवा है, तुम्हारे हर दुखों की निजात है, तो इसलिए उदी का सेवन हमेशा करते रहना। और अभी के लिए शुभ रात्रि मेरे बच्चे।